गोरखपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव के लिए आज दो प्रत्याशियों ने डीएम कोर्ट में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसमें निर्दल प्रत्याशी के रूप में राधेश्याम सेहरा और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में प्रवीण निषाद ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। राधेश्याम सेहरा ने एक सेट में तो सपा प्रत्याशी प्रवीण निषाद ने दो सेट में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। पर्चा दाखिला को लेकर कोर्ट परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। इसके अलावा आज 5 लोगों ने पर्चा खरीदा है। पर्चा लेने वालों में हृदय नारायण मिश्र, हरिप्रकाश, विद्याभूषण, उपेंद्र शुक्ल, जयप्रकाश शामिल हैं। इनको लेकर अब तक 45 लोगों ने पर्चा खरीद लिया है। मंगलवार को नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन है। नामांकन के बाद गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सपा प्रत्याशी प्रवीण कुमार निषाद ने कहा कि जन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और चुनाव में विजय हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि उनका किसी से कोई टक्कर नहीं है, बल्कि सभी लोग उनसे टक्कर ले रहे हैं। निर्वाचन के संबंध में असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर गजेंद्र कुमार ने बताया, लेकिन हम समझ गए नहीं तुरंत कि आइए थोड़ा सा, आइए चल के आइए 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 घुस जा रहा था चलिए नई फाइल देख लीजिएगा। प्रवीण जी चले के अगर 34 साल से भाजपा का राज रहा है, आज के दिन माननीय अखिलेश यादव जी जो मंत्री रह चुके हैं, आज हमारे साथ माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद पार्टी एवं डॉक्टर अयूब साहब जो पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन तीनों लोगों का अगर हमारे साथ सर पर हाथ है तो मैं निश्चित तौर पर इन लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये गोरखपुर सदर लोकसभा सीट मैं जीत कर हासिल करूँगा। क्या मुख्य मुद्दे होंगे आपके चुनाव में? विकास के मुख्य मुद्दे होंगे जो इस गोरखपुर से लोकल समस्या है, जो यहाँ की गोरखपुर की जो समस्या है, इंसेफ्लाइटिस की समस्या है, सड़कों पे जो गड्ढे हैं, जो हमारे किसानों के जो कर्ज माफ़ी नहीं हो रही है, और जो बेरोजगार हमारे नौजवान साथी इधर उधर भटक रहे हैं, इधर उधर रोजगार के चक्कर में उनकी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, ये सारी समस्याएँ हैं। उन मुद्दों को लेकर मैं इस चुनाव में उतरा हूँ। क्या लगता है आपको किससे टक्कर है आपको, कांग्रेस से या भाजपा से? नहीं, टक्कर तो वो उनकी हमारी है ना, हमसे उनकी टक्कर है, हमसे हमारी उनसे नहीं है। आज दो पर्चे समाजवादी पार्टी द्वारा दाखिल किए गए हैं और एक पर्चा निर्दलीय सदस्य द्वारा दाखिल किया गया है, और पांच लोग आज भी नामांकन पत्र लेकर गए हैं।